मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखिए आज आपका चैप्टर है फॉर क्लास फिफ्थ एनसीईआरटी बुक का पोयम है आपकी द लेजी फ्रॉग। लेजी फ्रॉग मीन्स आलसी मेंढक, उसके बारे में एक पोयम दे रखी थी, आपने पढ़ी होगी। अब देखिए उसमें पहले उसी पोयम का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द फ्रॉग डू ऑल द डे। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि फ्रॉग क्या काम करता था पूरे दिन, इस क्वेश्चन का मतलब। आंसर देखिए आप, ही स्लैप्ड कन्वीनियंटली ऑल डे ऑन अ लॉग। कन्वीनियंटली होता है मतलब, कन्वीनियंटली मीन होता है बहुत मज़े से, मतलब बहुत सुविधा में, बहुत मज़े में सोता था किसी लॉग के ऊपर। लॉग माने होता है आपका एक लकड़ी का पट्टा होता है, लकड़ी से बना पट्टा होता है जिस पे कुत्ता क्या होता है, वो सॉरी फ्रॉग क्या था उस पे सोते रहता था, स्लैप्ड करता था। सेकंड क्वेश्चन इज दैट बिसाइड्स लेजी व्हाट अदर वर्ड कैन यू थिंक ऑफ टू डिस्क्राइब द फ्रॉग। मींस हम पोयम में तो इसे लेजी कह रखा है फ्रॉग को, बट अनदर वर्ड हमें बताना है कि लेजी की जगह फ्रॉग के लिए उसके बिहेवियर को देखते हुए हम क्या क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, शब्द यूज़ कर सकते हैं फ्रॉग के लिए। आंसर देखिए, हाउ ही बिहेव विद हिज मदर व्हेन अ लेडी फ्रॉग वॉकड बाय। मीन्स इसमें क्या रखा है कि वो अपनी मदर के साथ कैसे बिहेव करता था जब लेडी कहाँ से वहाँ से गुजरी। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट दी सेंटेंस विद रेफरेंस टू दी पोयम। देखिए पोयम से ही कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन द फ्रॉग्स मदर्स कॉल्ड हिम ही प्रिटेंडेड टू। मतलब जब उसकी मम्मी ने, फ्रॉग की मम्मी ने उसको कॉल किया तो उसने क्या करा, उसने मीन्स उसने क्या नाटक किया। प्रिटेंडेड माने होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिटेंडेड। प्रिटेंडेड मीन्स क्या नाटक किया, जैसे हम नाटक कर देते हैं, बहाना ले देते हैं, क्या बहाना दिया लिया फ्रॉग ने, यानी किसी का हम कहते हैं नाटक, प्रिटेंडेड का मतलब। तो उसने, फ्रॉग ने क्या बहाना लिया था। आंसर इज योर हार्ड ऑफ हियरिंग। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब वो उनकी बातों को, मतलब उन्होंने बुलाया था फ्रॉग की मम्मी ने, उन्हें आवाज़ दी थी, तो उसने ऐसा कर किया कि उसे जैसे कि आवाज़ नहीं आ रही है, उनकी आवाज़ नहीं आ रही है, इस टाइप का नाटक किया। सेकंड क्वेश्चन इज डैट सेकंड पार्ट, व्हेन अ लेडी फ्रॉग्स होप बाय ही डज नॉट इवन। मींस इस क्वेश्चन का मतलब है कि जब लेडी यानी फीमेल फ्रॉग वहाँ से होप्स, मतलब होता है कूद कर, जब फ्रॉग के पास से कूद के गई थी, कूदती हुई गई, तो ही डज नॉट इवन, तो फ्रॉग ने क्या किया, उसने फिर भी अपनी आंखें क्या नहीं खोली नहीं। जैसे हम किसी पास से चले जाते हैं तो वो जग जाता है, बट फ्रॉग ने ऐसा कुछ करा नहीं जिससे उसे डिस्टर्बेंस हो, उसने ये दिखाया ही नहीं, वो अपनी आंखें बंद करके सोता रहा, यानी कि ओपन वन आए, सॉरी उसने सोता हुआ दिखाया अपने आप को कि मैं सो रहा हूँ, बट फ्रॉग की आँखें क्या आती हैं, ओपन वन आए, उसकी एक आँख खुली हुई थी फ्रॉग की जब लेडी फ्रॉग वहाँ से गुजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, डिड यू लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर। क्या आपको फ्रॉग का बिहेवियर अच्छा लगा। नो आई डिड नॉट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर, मुझे अच्छा नहीं लगा, इसका मतलब ये है आई डोंट लाइक द फ्रॉग्स बिहेवियर बिकॉज फ्रॉग इज़ अ वेरी लेजी पर्सन। अब देखिए इसके आगे के आपके जितने क्वेश्चन हैं वो सब आपको अपने आप करने हैं बुक में से, इन योर ओन वर्ड्स। दिस इज़ अ कॉमन क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरी चिल्ड्रन दैट दे हैव टू राइट बाय देयर ओन। थैंक यू।